जैसे हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से एक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। सब चर्चियां कर रहे हैं सारे पास में, उन्होंने सेवा पे की है। हजार बार सब पूरा यूज फूट जाएगा भाई, ये फूट जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह के हो रहे 9 और अपने ब्लॉग की होगी शुरुआत। तो देखो गाइस हमारे छत पे पूरे आपको गेहूं दिखेंगे। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, यानी कि कल शाम को दिखाया था, पर अच्छे से दिख नहीं पाया। अभी देखो वहाँ से आपको पूरे गेहूँ दिखेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा आराम से डब्बू सोया हुआ है। डब्बू गुड मॉर्निंग। देखो गाइस आपको डब्बू भी दिखेगा, कमांडो भी, दोनों एक ब्लॉग में यहाँ पर आराम सो रखा है। दूसरा कहाँ गया? अब्बास दूसरा कहाँ गया बोलते, दूसरा भी आ गया। कमांडर तुम क्या कर रहे हो? ये हमारा कमांडो है, ये हमारा गाइस। चाचा जी लगे हुए गेहूँ की मड़ाई करने की तैयारी में, तो पूरा खवा तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गोबर और मिट्टी से लिपाई होती है, जिससे क्या होगा, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ना, दो पटाली के बीच में जो गैप रहता है, जैसे इस तरीके गैपिंग होती है ये वाली, तो इस गैपिंग को पूरा फिल कर देंगे। वहाँ से पूरा कर दिया। और ये वो पत्थर, इसको बोलते हैं हम लोग पाथर, इसके नीचे जो लकड़ी रखेंगे, फिर इसमें मार मार के क्या किया जाएंगे चाचा, दाने निकलेंगे गेहूं, गेहूं के दाने निकलेंगे, गेहूं की मड़ाई हाथ से करेंगे। बिल्कुल, मशीनों की यहाँ नियोग नहीं है पहाड़ में। हाँ, हाथों से होगा, हाथ से। ये हो गया गाइस पहाड़ी मसाला, ये लगाया जा सकता है। और दादा दो लकड़ी लेके आ गए, और देख लो भाई पूरी हालत ऐसी हो रखी है, होली वाले हाल हो गया, होली वाला हाल अभी। ये देखो अब दे रहे हैं ये, हाँ ये लकड़ी की सहायता से क्या होगा, ये पटली रुकेगी और फिर इसे मारेंगे। ये जो लकड़ी है, ये लकड़ी है गाइस चीड़ की, और इसके सामने भी ये लकड़ी दी हुई है। इससे क्या होगा, इससे इधर को नहीं आएगा और इस लकड़ी से पीछे को नहीं आएगा। दोनों लकड़ी के बीच में पटाल रखा जाता है। बस 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 हो गया। अब इसकी ढाल चेक करते हैं, ढाल कितनी है, जिससे कि कमर में दर्द ना हो। अपने का मजा आ गया, पास हो गया, बहुत बढ़िया बन गया। चलो बढ़िया हो गया। गाइज हमको काफ़ी टाइम से रीटा साहिब जाना था, पर हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि मेरी गाड़ी घर पे फंसी हुई थी। आपको पता हमारे गांव की रोड बन रही थी, कल जाके बनी है, तो आज होशियार भैया और मैं जा रहे हैं रीटा साहिब। तो हमको रीटा साहिब क्यों जाना है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो गाइज हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने हमको मदद भेजी हुई है जो हमको गुरुद्वारा से रीटा साहिब में देनी है। तो वो अमाउंट कितना है आपको वो बताता हूँ, उन्होंने मेरे को वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ था, तो मैं उनकी आपको जानकारी तो नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने बताने को मना किया है, पर आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उनको थैंक यू जरूर बोल देना। तो गाइज जो मेरे पास अमाउंट है वो है 31,000 रुपये। तो मैं क्या करूँगा कि उसमें से 11,000 रुपये तो गुरुद्वारा में दूंगा, और जो हमारे पास 20,000 रुपये बचेंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग 2,000 रुपये करके 10 लोगों को दे देंगे, जो गुरुद्वारे में सेवादार होते हैं ना, जो लोग सेवा करते हैं उनमें से। तो हम लोग को सिलेक्ट करना है, तो 31,000 रुपये हमें गुरुद्वारे से रीटा साहिब में देने। तो होशियार भैया और मैं भी जा रहे हैं, तो यही काम को करना था। हमारे पास पैसे तो काफ़ी पहले आ गए थे, पर मैं अपने काम की वजह से जा नहीं पाया, और फाइनली आज जाके मौका मिल रहा है। तो आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से एक बहुत अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस एक बार हमारी फैमिली मेम्बर्स को आप थैंक यू सो मच बोल देना, तो उनकी वजह से मैं ये आर्थिक मदद कर पा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सभी लोगों से बोलूँगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे थैंक यू जरूर बोल देना, और हम जल्दी से निकलते हैं अपने गांव से। तो सामने हम लोगों ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है, और मौसम की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, और हमारी गेहूँ की फसल काटने के लिए बढ़िया है, बस बारिश ना हो जाए। पहाड़ियाँ धुएँ की वजह से कैसी हो रखी हैं, जैसे बरसात के बाद पहाड़ पर ढक जाते हैं ना पूरे कोहरे से, वैसा हो गया। देखो बिल्कुल वाइट वाइट पूरा बंद हो रखा है, और इन खेतों के गेहूँ तो काट दिए, और सभी लोग खेत पे गए हैं। तो पापा और मम्मी नीचे वाले खेत पे गए हैं, वहाँ से गेहूँ की कटाई कर रहे हैं, उसके बाद जाके मड़ाई होगी। ये रही गाइस अपनी गाड़ी, इसकी चाबी होशियार भैया के पास है। काफ़ी गंदी हो रही है, धूल ही धूल से, काफ़ी टाइम से धोई नहीं है, अभी इसको धोएंगे। होशियार भैया देखो भाई सामान ही सामान, दोनों ओर रोड के आग लगाई हुई है। कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा करना नहीं चाहिए, कुछ घास के लालच में ना पूरे जंगल को जला देते हैं। और यहाँ से गुरुद्वारा स्ट्रीट ऐसा पूरा दिख रहा है, पर धुएं की वजह से ऐसा हो रहा है ना भाई, दिख ही नहीं रहा, जैसे बरसात में होता है ना, बरसात के बाद। आप कहाँ से आए हैं? बरेली से। अच्छा, गुरुद्वारा के दर्शन करने? कब आए? आज सुबह आए। आज सुबह आए, अच्छा। यहाँ से जाना ऐसे करके अंदर चले जाना, हाँ ऐसे अंदर करने। हाँ गाइस अभी हम लोग ने नदी क्रॉस कर ली है, तो यहाँ से बाइक निकाली, वहाँ से थोड़ा निकालना टफ था, तो यहाँ पे हमने बाइक निकाल ली। चलें तो गाइस फाइनली हम लोग रीटा साहिब पहुँच गए हैं। काफ़ी टाइम से पहुँचे हुए थे हम लोग, 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, बैंक के सर्वर ही डाउन चल रहे थे। अभी तो हम चाचा जी दुकान बैठे हुए थे, तो हमारे पास जो पैसे आए थे मैंने चाचा के अकाउंट डाले हुए थे, क्योंकि चाचा निकाल देंगे, क्योंकि ये निकल चुके हैं गाइस। ये हैं पूरे कितने थे चाचा, 21,000 रुपये ये हैं, और 10 ये, 31,000 रुपये पूरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1,000 रुपये ऐड करेंगे, ये हो जाएंगे 11,000 रुपये।
11,000 अलग करेंगे और जो हमारे पास 20,000 रुपये बचेंगे उसमें क्या करेंगे हम 2,000 रुपये करके 10 लिफाफों पैक करेंगे। गाइस हमारे पास आ गए 10 लिफाफे, होशियार भैया लेके आ गए। इन हम क्या करेंगे हर लिफाफे में 2,000 रुपये करके डालेंगे चाचा जी और मैं, और 11,000 रुपये अलग अलग रखेंगे। ये अपने लिफाफे तैयार हो गए, पूरे 10 लिफाफे। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम प्रिंट कर दिया। ये 11,000 रुपए का लिफाफा है। हाँ ये 11,000 होंगे। ये अलग कर दिए हमने 11 अलग कर लिए और 20 अलग कर लिए। चलो अब काम स्टार्ट। अब होशियार को जल्दी से हम क्या पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। कौन सी पी रहे हो? फैंटा। वैसे कोल्ड ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए पर अभी पी लो। हम लोग गुरुद्वारा सीटा साहिब में, अभी हम लोग बाबा जी के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी भैया लोग हैं सभी लोग गुरुद्वारा सीटा साहिब में सेवा देते हैं। खालसा दर्ज की फतेह जी। वैरू जी मेरा नाम श्याम सिंह है, मैं प्रबंधक इतों का 99 तो लगातार। तो हूँ इस टाइम से कितना सलाम बढ़ा रहे हैं यात्रियों वास्ते, करीबन 60 कमरे बना रहे हैं। तो वो सेवा की काफ़ी जरूरत है, जो कोई संगत मदद भेज सकती है सानू भिजवा सकती है इतने। तो बाकी हूँ सा मेला आ रहा है 21-22-23 मई में, बहुत संगत आदियाँ उदों भी सानू काफ़ी लोड़ आँगी सेवावान की समान की। बाकी साढ़ा स्टाफ कोई थलों प्लेन का कोई इतों का लोकल आम करते, असं नॉर्मल सेवा दें जो छोटा कपड़े भी बना के देते, छोटा मोटा होर मदद भी करी दी आ, कुछ तनखावें भी दे दी आ। जो उदा कोई संगत कोई चाहे तो उन्होंने कोई सेवा इतने कर सकती आ। तो गुरुद्वारे वास्ते भी जिन्ना भी कितने सेवा भेजना चाहिए उसे भेज सकता है। जो साढ़े कनैक्ट करे को तो साडा नंबर भी हैगा आ, तो असं इन दे दिता भाई साहब जो आए हैं छोटे इन्होंने नंबर अच्छे दिता है। तो कुछ सेवा इतने भेजनी चाहिए संगत भेज सकते। गुरु नानक महाराज जी उन्होंने चढ़ती कला करे जी, सुख शांति चढ़ती कला अरदास गुरु नानक साहब कृपा करना उन्होंने सेवावान उन्होंने भेजिया उन्होंने मार्ग चढ़ती कला करे समित परिवार को। इस तरह देर रुकता बख्शे गुरु साहब चढ़दियाँ कला करे सारे पासों उन्होंने सेवा भेजी है। बहुत धन्यवाद सेवा भेजने का, होर भी जिनी सेवा हो सकते भेज सकते मैं जी खालसा हो सकते। सीटा साहब के दर्शन भी हो गए और प्रसाद भी ले लिया। तो अंदर तो कैमरा अलाउड था नहीं, तो अंदर बाबा जी थे, बाबा जी ने मना कर दिया शूट करने को, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया और आपको दर्शन नहीं करवा पाया। तो आपको बाहर से दर्शन करवा देते हैं गाइस, अंदर तो हम दर्शन करवा नहीं पाए क्योंकि मना कर दिया था ना शूट करने को। तो भाई धूप इतनी तेज़ लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और अपना गाँव पता है सामने वहाँ पे उस वाली पहाड़ी। तो गाइस दर्शन भी कर लिए, उसके बाद हम बाबा जी के बैठे हुए थे, भाई भैया ने इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पिला दी तो पेट फुल कर दिया इसको, ज़बरदस्ती पिलाई पिलाई भैया ने बहुत ज़्यादा। तो भैया हमारे पहचान के थे, जो मदद हम तक पहुंची हुई थी हमने सारी पहुंचा दी। 11,000 रुपये हमने गुरुद्वारे में दिए, बाकी जो हमारे 20,000 रुपये थे वो हमने क्या किया 2,000 करके 10 लोगों को दिया गया जो मन यहाँ पे गुरुद्वारे पे सेवा देते थे। चलो भाई इसी को जानता हूँ मैं इससे बहुत अच्छे से, इनने कई छक्के मारे थे धर्मों के खिलाफ और मैं नहीं था। हालांकि भैया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं भाई, बढ़िया मजे में बढ़िया। तो होशियार भी आए थे भैया के पास कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। ठीक है भैया मिलते हैं फिर, अच्छा लगा आप सुन के। ओके भैया थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय। ओके ठीक है भैया फिर हेलो। अरे वाओ, अरे नाम क्या है? नाम नाम क्या हुआ? क्या नाम हुआ? हेलो हेलो बाबू, क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शुभम, इसका नाम अनमोल, श्रीशिया परवाल, दीपांशु, भावेश, कमलेश, विनीता, विनीता। बहुत बढ़िया, होगी स्कूल की छुट्टी? हाँ। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे आगे।
देखो भाई सारे बच्चे स्कूल से आ गए, बस घूम के आ रहे हैं यार भाई। हम आपकी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा वीडियो सब्सक्राइब करते हो, धन्यवाद यार भाई। गाइस हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर, ये देखो छोटे छोटे भैया बनी। तो गाइस अभी निकालेंगे पप्पू दा इस पानी से बाइक को, और बड़ी आफत आ रही है इसमें। वैसे तो आजकल पानी कम हुआ है लेकिन फिर भी देख है। ओए 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 ले आओ ले आओ ले आओ, चलो चलो चलो। गाइस हमने गाड़ी तो निकाल ली है। गाइस भैया बहनी स्कूल से आ गए, इनको गाना गाना है। क्या गाना भाई? गाना गाना था नहीं, देवता गाना। देवता नहीं गाना था? बच्चे लोग भी आ रहे हैं ना। आप बड़े हो? सबसे बड़े। तुम सबसे बड़े बच्चे हो? बहुत बढ़िया भाई। और बाबू घाम ना लगना है? अच्छा बहुत बढ़िया। कौन निकाला देवता? वो छोटा, वो फंस गया भाई, देखो उधर फंस गया। अरे यार भैया मैंने ऐसे कैसे लगा यहाँ पे? गाइस छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी, अरे कैमरे पे दिखेंगी नहीं, बहुत ही छोटी छोटी हैं भाई। पकड़ लेगा मछली? नहीं नहीं पकड़ पाओगे। पकड़ो यार, इसमें से कौन देखता है वीडियो? तुम देखते हो? अच्छा हाँ यूट्यूब आएंगे कल सुबह। हाँ ढोल कहाँ, पत्थर पे? तो भाई कहाँ बजेगा ढोल? चल भाई। तो गाइस ये देवता निकाल के दिखा रहे हैं। चल भाई। अच्छा बैग में, और देवता कौन निकालने वाला? चल सब कहाँ गई भाई? नाचने कहाँ गया? अरे विष्णु वाला भाई, ब्रह्मा वाला भाई, हाला नाजिया कमलेश सिंह। शाबाश भाई बहुत बढ़िया। नाच भाई तू भी नाच, क्या टैलेंट है भाई। ढोल होता ना मजा आता भाई के बैग से, भाई भाई ढोल बना रही। वाह शाबाश। आ भाई आजा आजा भाई, नाच भाई नाच। अरे दिन के जरा औजार बॉक्स का पूरा यूज फूट जाएगा भाई, ये फूट जाएगा ये औजार। चल बटी गो भला चलो उग्रदास बदलो उग्रदास। अरे जी वाला ना, अरे जी वाला ओ भाई। चलो बढ़िया भाई, ओके भैया, ओके भैया, बाय 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 बाय। अरे भाई गर्मी होगी भाई को, ले तगड़ा वाला देता आ गया भाई, ये कपड़े उतार दिए इसने। शाबाश भाई।